सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नाइका के आईपीओ की एक बेहतरीन अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, नाइका का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आ गया है, लेकिन इसकी डेट्स और डिटेल्स अभी तक आती हुई नजर नहीं आ रही। तो देखिए, यहां पर नाइका के आईपीओ की एक अपडेट सामने आई है और देखिए इस अपडेट से आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और देखिए इसका जो आईपीओ है आपको काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर नाइकाज रेट 4000 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ सोर्स टोल्ड यानी कि सोर्स के द्वारा ऐसा पता चला है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने नाइका के 4000 करोड़ के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे सेबी को अप्लाई करना होता है और सेबी उसको परमिशन देता है, अप्रूव करता है, तभी कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है। तो देखिए, इन्होंने सेबी को अप्लाई कर दिया था, अप्लाई करने के बाद इनको अप्रूवल भी आज के दिन मिलता हुआ नजर आ रहा है, सोर्स के द्वारा पता चला है। और देखिए, अप्रूवल मिलने के बाद केवल एक ही चीज रह जाती है कि इसकी डेट्स और डिटेल्स आ जाएं और हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से ये आईपीओ आपको कभी भी अब देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए, थोड़ा और इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं नाइका इज लुकिंग फॉर रेज रेट 525 करोड़ बाई फ्रेश इशू यानी फ्रेश इशू के जरिए ये ला रहे हैं 525 करोड़ के जो आईपीओ का 525 करोड़ है वो फ्रेश इशू के जरिए आ रहा है। वहीं बात करें जो जितना बकाया है यानी कि 43.1 मिलियन जो शेयर हैं वो मार्केट में आएंगे ऑफर फॉर सेल के जरिए। आपको बता दें कि फ्रेश इशू के जरिए जो भी शेयर्स मार्केट में आते हैं उससे जो भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च होता है, लेकिन ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसा आता है, जो कंपनी के पुराने प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा उनकी जेब में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए एक और इंफॉर्मेशन है इसके लिए, देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो अभी कोई भी डेट्स नहीं है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको पता है। एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड की बात करें तो ये प्राइस बैंड करीब 1050 से 1150 के बीच में हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक ब्रॉड रेंज आपको दी गई है कि इसके बीच में इसका जो है प्राइस बैंड देखने को मिल सकता है। वहीं जीएमपी की बात करें यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 650 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि इसके मुकाबले अगर हम इसको मिलाएं तो करीब अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। और मुझे लगता है जैसे इसकी एक्चुअल डेट आएंगी, डिटेल्स आएंगी, आपको इसका प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए, हम इसके बारे में नज़र बना के रखेंगे और इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।